तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमको गिवन है द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड पुणे इज़ 192 किलोमीटर। ट्रेवलिंग बाय द डेकन क्यून इट टेक्स 48 मिनट लेस देन द अनदर ट्रेन। कैलकुलेट करना है द स्पीड ऑफ द डेकन क्यून इफ द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन डिफर बाई 20 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों ट्रेन की जो स्पीड है ना, स्पीड का हमको डिफरेंस दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर, और 192 जाना है। तो डेकन क्यून से क्या हो रहा है, 48 मिनट कम लग रहा है अनादर ट्रेन के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्पीड एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको लेके चल रहा हूँ, लेट द स्पीड ऑफ डेकन क्यून, डेकन क्यून। तो डेकन क्यून की जो स्पीड है ना, वो दूसरी ट्रेन से क्या होगा, 20 किलोमीटर पर आवर मोर होगी, क्योंकि दोनों में जो डिफरेंस है ना 20 का आ रहा है। तो इसकी स्पीड में यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ x किलोमीटर पर आवर। तो जो दूसरी ट्रेन होगी क्या होगी, वो 20 किलोमीटर लेस होगी, क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस है वो 20 किलोमीटर है। तो यहाँ पर हो जाएगा द स्पीड ऑफ अनदर ट्रेन, अनदर ट्रेन, इसकी जो स्पीड होगी वो आ जाएगी x-20 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हो? आई होप आप इतनी बात को पकड़ के चले होगे, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 20 है। तो एक को एक्स ले रहे हैं, तो दूसरा x-20 या x+20 हम लेके चलेंगे, क्योंकि डेकन क्यून कम टाइम ले रही है, तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, इसकी स्पीड कम होगी। तो यहाँ पे देखो, जो डेकन क्यून से टाइम लग रहा है ना, वो हमारा लग रहा है 48 मिनट लेस। तो सपोज करो, यहाँ पे जो डेकन क्यून से टाइम लग रहा है वो लग रहा है T1। देखो फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है हमारी, 192 जाना है, और एक्स की स्पीड से जा रहे हैं, तो जो टाइम लगेगा वो लगेगा T1। ऐसे हम क्या करेंगे, जो दूसरी ट्रेन में हमारा टाइम लग रहा होगा T2, इसको एज्यूम कर लेते हैं। ये हो जाएगा 192 अपॉन x-20। देखो अभी यहाँ पे क्या हमने ध्यान देना है कि दोनों का जो टाइम का डिफरेंस है वो 48 मिनट है। तो अभी यहाँ पे हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, देखो जो अनादर ट्रेन की स्पीड है वो 20 कम है डेकन क्यून से, तो इसमें हमारा ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, कम है। तो दोनों का जो टाइम का डिफरेंस हमको दे रखा है ना, वो हमको गिवन है 48 मिनट। तो 48 मिनट यहाँ पे इसको हम आवर में कन्वर्ट करेंगे 60 से डिवाइड करके। तो 12 से कैंसिल आउट हो रहा है ये 4 जा, और 12 से जा रहा है ये 5 जा। तो इसमें हम T2 और T1 की वैल्यू पकड़ लेते हैं। ये आ जाएगा 192 अपॉन x-20, और यहाँ से हमको मिल रहा है 192 अपॉन x = 4/5। तो आई होप आपको इतना पकड़ में आया होगा। अभी यहाँ से हमारा 192 कॉमन मिल रहा है, इसको हम बाहर पकड़ लेते हैं, और यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन x-20, और यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन x = 4/5। तो ये हमारा 192 मल्टीप्लाई में, ये 5 के मल्टीप्लाई में चले जाएगा, और यहाँ से इसका हम एलसीएम पकड़ लेंगे। ये हमको मिल जाएगा x-x है ना +20, और नीचे हमारा पकड़ में आ रहा, देखो x²-20x, और इधर हमको मिलेगा 4 अपॉन में 5 × 192। अब ये हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, 1 जा, और ये जा रहा देखो 4 जा, फिर 3 बचेगा, फिर 8 जा, है ना। फिर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना मिल जाएगा यहाँ से 0 कैरी 4 24। ओके, और यहाँ से हमारे दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, यहाँ मिल रहा है हमको 20, और नीचे पकड़ में आ रहा है x²-20x। जस्ट यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यह आ जाएगा x²-20x = यह आ जाएगा हमारा 8, और यहाँ से मिल जाएगा 4 00। तो इसको उठा के हम इधर लेके आते हैं, माइनस का हो जाएगा ये, यहाँ से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अभी इसका हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करके हमको लेके आना है ये 4800, और ऐड या सबट्रैक्ट करके लाना है हमने 20। तो ऐसे हमने फैक्टर्स सोचने पड़ेंगे जो मल्टीप्लाई करके हमको 48 दे दे, है ना, और ऐड या सबट्रैक्ट करके हमको 20 मिल जाए। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपली बताता हूँ, देखो 80 और 60 इसको पकड़ लो आप, है ना। तो 80 को 60 से जब सबट्रैक्ट करोगे, यहाँ से आपको मिल जाएगा 20, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 4800, है ना। तो यहाँ पे एक फैक्टर हमारा बनेगा 80 और एक बनेगा 60। यह आ जाएगा x²-80x + 60x, फिर -4800 = 0। यहाँ से हमारा कुछ
कॉमन आ रहा है, x कॉमन मिल रहा है, ये बचेगा x माइनस 80, यहाँ से हमारा प्लस का 60 पकड़ में आ रहा है, ये भी हमारा बचेगा x माइनस 80 इक्वल टू जीरो। एक देखो यहाँ से हमारा फैक्टर बनना है x माइनस 80 और एक बनना है x प्लस 60 इक्वल टू जीरो। यहाँ से तो हमारी माइनस में वैल्यू मिलेगी, तो जो x की वैल्यू आ रही है ना यहाँ से हमारी, वो आएगी 80 किलोमीटर पर आवर। तो जो डेकन की उनकी स्पीड है ना वो हमारी आ जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप दोस्त आपको क्वेश्चन पकड़ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर हिट कर दें। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में।